नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं एग्ज़ाम टीवी पे स्वागत करता हूँ। और आज का क्वेश्चन अलजेब्रा का है कि एक्स स्क्वायर प्लस टू बराबर टू एक्स, देन एक्स की पावर फोर माइनस एक्स की घात तीन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू, इसका मान आपको ज्ञात करना है। और इसको करने का आपको मैं बहुत ही सिंपल और ऑथेंटिक तरीका बताऊँगा। वो तरीका आप कहीं पर भी अप्लाई करोगे इस टाइप के क्वेश्चन में, तो आपका डेफिनेटली आंसर जल्दी आएगा। तो देखो, आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस दो बराबर दो एक्स। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया गया है और एक्स की पावर फोर निकालना है, तो आपको क्या करना है, सिंपली एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक्स से मल्टीप्लाई करोगे पूरी इक्वेशन को तो एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो टू एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स की घात तीन आ गई, लेकिन एक्स की घात चार तक आना है, तो इस इक्वेशन को फिर से एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर फोर, ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा टू एक्स क्यूब। पहले एक्स से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में फिर से एक्स से मल्टीप्लाई किया, अब एक्स की पावर फोर आ गया। अब आपको सिंपली क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। तो देखो, 2x से ये 2x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये इस साइड में आएगा तो माइनस में होगा। इसी तरीके से देखो, 2x स्क्वायर प्लस में है और 2x स्क्वायर ये प्लस में, तो ये बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस में होगा, तो इसे कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से देखो, यहाँ पे है x की घात तीन और ये x की घात तीन, ये दो में 2x की घात तीन, तो x की घात तीन से एक x की घात कैंसिल हो जाएगी, तो फिर एक एक्स की घात तीन बचेगी यहाँ पे। अब देखो, जो बच गया है उनको लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब यहाँ पे देखो, एक्स की पावर फोर इस साइड में, तो देखो बराबर की इस साइड में एक दो और तीन ही टर्म बच रही है, और बराबर वाली में आगे क्या बच रहा है, एक्स की घात तीन ही बच रहा है, क्योंकि एक तो इससे कैंसिल हो गया। अब देखो, ज्ञात क्या करना है, ये ज्ञात करना है। अब इसी तरीके से मैं अरेंज करना चाह रहा हूँ इसको। पहले क्या है, एक्स की घात चार, ये पहले लिख लिया, और ये बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, फिर ये एक्स स्क्वायर होगा प्लस में टू होगा, बराबर में क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखो, इसे कंपेयर कर लो आप, ये एक्स की घात चार, एक्स की घात चार माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस टू, तो इसका मान पूछा है तो इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।